नमस्कार फ्रेंड्स पीएमसी हिंदी में आज हम जिनका जिनसे बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं फ्रेंड्स जानते हैं वो कौन है जैसे शिव के लिए पार्वती थी कृष्णा के लिए राधा रुक्मणी थी राम के लिए सीता थी ऐसे ही हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी के लिए ये स्वर्णा मैम है तो मैम आपसे बहुत सारे प्रश्न करने हैं हमारे साथ जस्सी जी भी हैं हमारे साथ सौम्या जी भी हैं नमस्ते तो हम बहुत सारे प्रश्न आज बहुत कुछ ज्ञान आपसे प्राप्त करना चाहते हैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहते जो आज हमको मिला है शार। तो मैम एक प्रश्न है मेरा कि हमारे पी एस एस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में एटीन प्रिंसिपल बताए गए हैं तो उन्हें कैसे और क्यों फॉलो करना चाहिए ये ध्यान को बरकरार रखने के लिए हम ये प्रिंसिपल्स को रखते हैं हम देखो हमारे घर में घर में होते हैं घर में एक टाइम पे जाना एक टाइम पे ले रहना एक टाइम पे आना एक टाइम पे सोना एक टाइम पे खाना खाना ब्रेकफास्ट लंच या डिनर कुछ भी हो एक प्रोग्राम नहीं बनाते या yeah. फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास बड़े होने के बाद बड़े वाले छोटे वालों को देखना ये सब नहीं है प्रिंसिपल्स नहीं है सेम जैसे कि वो प्रिंसिपल्स है ये भी प्रिंसिपल्स है ये स्पिरिचुअलिटी के लिए है वो हमारे घर के लिए है लेकिन प्रिंसिपल जरूरी है हमारी ये लाइफ है ना ट्रैक पर रहेगी राइट ट्रैक पे नहीं तो भटक जाएंगे ये प्रिंसिपल्स का काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी स्पिरिचुअलिटी में इन प्रिंसिपल्स का होना वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं पत्री जी ने या पी एस एस एम ने प्रिंसिपल्स बनाया क्योंकि गवर्नमेंट पर प्रिंसिपल्स नहीं होते होते हैं हर जगह होते हैं। तो क्या सर पत्री जी पहले भी इतने ही क्रांतिकारी थे जितना ध्यान के बाद उनमें जनून और वो सब एक प्रचार का था तो क्या उनका स्वभाव पहले भी ऐसा ही था या अचानक उनके स्वभाव में परिवर्तन आया अचानक आया। अचानक आया, आया। तो उस समय आपको आ, कैसा महसूस हुआ क्योंकि परिवार तो है गई बच्चे... थी। क्या चेंज है मेरे सासू मां डर गई थी मेरे पूरा कुंडली लेके पहुंच गए पंडित के पास कि क्या मैच हुआ कि नहीं इन ऐसा क्यों चेंज हो रहे हैं करके है। डर गए थे सब छोड़ के बा, बाहर चले जाते हैं ऐसा डर होता है ना तो हमारे सासों में वो वैसा डरती थी, थी लेकिन मुझे कुछ डरवर नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि घर में वो नॉर्मल रहते थे बच्चों के साथ खेलते थे बच्चों को वॉकिंग लेके जाते थे स्कूटर पे एक पार्क में बिठाते थे, थे वो खेलते किताब पढ़ते हैं बच्चों को नेगलेक्ट कर नहीं करे तो ज्यादा टाइम जैसे सर टूरिंग में रहते थे बेटियों के प्रति कैसे जिम्मेदारी होती है कैसे आपने निभाया उसको बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ता था वेरी केयरफुल क्योंकि लोग भी घर में ध्यान सीखने आते थे सब लोग अच्छे नहीं होते हाँ वही वही बात मैं फ्रेंकली ओपनली बात बात कर ओपन टॉक है हाँ हा। सब लोग अच्छे नहीं होते किसी की नीयत में खराबी भी हो सकती है इसीलिए लड़कियों को थोड़ा आगे नहीं करती थी मैं मैं आगे हो जाती थी बच्चों को पीछे अगर कोई आए चार लोग आए बैठे ड्राइंग रूम में तो मैं इशारा करती थी तुम लोग अंदर जाओ आंखों से वो दोनों बेडरूम में जाके दरवाजा बंद अंदर से ऐसा मतलब, दिया। मतलब आपको हर वक्त उन पर आई वॉच रख हमेशा मतलब इस, इस जब जैसे हमारे इसमें तो है ना आंखें बंद करके बैठ जाओ पर आप आंखें बंद नहीं करी आपने अपनी दो आंखें हमेशा उन पर रखी इसी आंख को कम करा करेक्ट करेक्ट, करेक्ट. दोनों आंखें खोल के रखना पड़ता है उन उन जमाने में ना ध्यान के लिए कम आते हैं टाइम पास के लिए ज्यादा आते हैं क्योंकि तो तो ध्यान के बारे में सब नहीं जानते ध्यान का मतलब वो, वो करते हैं काम नहीं करने का लेजीनेस है मतलब कुछ जॉब नहीं करने का नहीं पढ़ने का ऐसा करके वो लोग समझते थे कि फ्रीली इधर खाना मिल रहा है रहने को छत मिल रहा है अच्छा रात को इधर रह सकते हैं सर ने सबको घर में रहने के लिए बोलते थे मैम तो जैसे आपने अभी बोला कि आप बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते थे बहुत केयरफुल रहते थे आप लोगों के आगे बट आज की डेट में आपकी एक डॉटर पी -स -स ग्लोबल को लीड कर रही है एक डॉटर पीएमसी इंग्लिश को लीड कर रही है तो वहां से इतने प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में से एक लीडर कैसे बने वो दोनों इसके बारे में मैं बोलना चाहती हूं कि वो लोगों को मैं अप्रिशिएट करती हूं कि बचपन में ही सब देखा अच्छा देखा बुरा भी देखा इसीलिए उनको मालूम है क्या करना है कौन कैसा है क्या कर रहा है क्यों कर रहा है हर बात के पीछे क्या अर्थ हो सकता है नाउ दे कैन हैंडल एनी एनी बडी एक्सपीरियंस टीचर एक्सपीरियंस टीच दर इसीलिए थोड़े दिन अपना कुकुन में रहना है मतलब जैसे के काटा पिल्ल होता है ना वैसा रह के वो लोग वैसा थे फिर बाद में बटरफ्लाई बांध के आए अभी रंगी है दे नो हाउ टू हैंडल पीपल ना सब डरते हैं उनके पास जाने के लिए बोलने के लिए कुछ गलत या सही कुछ भी हो उस समय जब आपकी बच्चियां दोनों बहुत छोटी थी और पत्री सर ने अचानक नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बच्चियों को पढ़ाना है घर चलाना है बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना है और सर ध्यान प्रचार में चले जाते थे आज हम पी में देख रहे हैं लोग बहुत कम्फर्ट में रह के काम कर रहे हैं लेकिन वो जो आपने बीज डाले हैं उस समय आपने सेवा भाव सबको समान नजर से देखना खाना खिलाना ध्यान प्रचार करना और आपने दो आंखें नहीं आपने तो हजार आंखों से सब कुछ देखा है सो so, आप अपनी उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि एक नारी को अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना चाहिए जिम्मेदारियों को बहुत मतलब ध्यान रखना चाहिए सबका उस टाइम पे तो हमारे बड़े लोग सास ससुर भी हमारे साथ रहते थे उनको देखभाल करना जरूरी है और बच्चों को देखभाल करना जरूरी है और आने जाने वालों को खिलाना भी जरूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर पकते पकते गैस खत्म हुआ तो मैं रोड पे जाके जो पहचान के होते हैं अरे एक सिलेंडर दो ओह ऐसा भी हुआ मतलब वो सब कुछ भी आप ही मैनेज करती थी पीछे से तब इतने लोग भी नहीं थे इतने कंफर्ट्स में नहीं थे आजकल क्या है हाँ सब कुछ हाथ में मिल रहा है बिना पूछे बिना मांगे लेकिन वो टाइम पे इतना नहीं है मुट्ठी भर लोग थे ध्यान करने वाले वो भी इतना रेस्पॉन्सिबल नहीं होते थे थोड़े लोग रेस्पॉन्सिबल भी होते आजकल मैडम जैसे लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है डॉक्टर भी कहते हैं ध्यान करो और बहुत सारे ऐसे ध्यान के कोर्सेज चल पड़े हैं कि ये कोर्स करो कुंडली एक्टिवेट हो जाएगी चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं और लोग कुछ पाने के लिए भागते हैं कि पैसा खर्चो कुछ कोर्स करने से समझ में आ जाएगा आध्यात्मिक यात्रा में ये सब चीजें कितनी मदद करती हैं आप इन सब चीजों से गुजरे हो ध्यान से ही सब कुछ होता है कोई किसी का कुंडलिनी एक्टिवेट कर ही नहीं सकता इम्पॉसिबल एवरीबडी गो थ्रू द जर्नी ऑफ ध्यान ध्यान के माध्यम से ही सब कुछ मिल सकता है कि कुंडलनी स्पेशली कुंडलनी एक्टिवेशन मेरे को कितना गर्मी महसूस हुआ बॉडी में कुंडलनी का एक्टिवेशन है ना अगर ये जन्म में हमारा एक्टिवेशन हो गया तो नेक्स्ट जन्म में वो एक्टिवेशन के लिए मदद की जरूरत नहीं है होता है अब हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि हुआ है क्या जैसे कुंडली जागृत होती है या अंदर की जो भी शक्तियां जागृत होती हैं तो क्या ये केक वॉक है कि बस जाग गया हमें सब कुछ दिख गया या एक प्रोसेस है उसमें भी वगैरह सब होता है जैसे लोग कहते हैं यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है कुछ हो रहा है, है बहुत सारे ध्यान के अनुभव तो समझ में नहीं आता लोगों को लेकिन हाँ, होता है, है।, है इधर प्रेशर पड़ता है दर्द देता है पेन होता है वो सब है लेकिन इतने में थर्ड आई ओपन हो जाना ये सब करना होता है थर्ड आई ओपनिंग क्या होता है वही हम आपसे जानना चाहते थर्ड आई ओपनिंग अगर अगर ले हो तो सी व्हाट इन ये थर्ड आई ओपनिंग में हम जहां चाहे अगर गए तो वो थर्ड है अगर कहीं भी गए तो वो है बिना हम समझे अगर मुझे आ, नीचे घर जाना है क्या हो रहा है देखना है तो थर्ड माध्यम से हम देखते हैं देखना चाहते हैं। अगर थर्ड एक्टिवेट हुआ तो, तो मैं नीचे जाके क्या क्या हो, हो रहा है क्या कलर साड़ी पहनी है बसंता मैडम और कौन क्या कर रहा है वो सब आके इधर मैं बताती हूँ सेम उधर होना चाहिए हम जिधर चाह चाहते हैं उधर जाने का Uh, माध्यम है थर्ड आई एशियंट टाइम्स में योगी लोग क्या करते हैं इधर बैठ के सब कुछ उधर क्या हो रहा है संजय uh, क्या किया था हाँ mm. uh, उधर वो देख रहा था घर में बैठ के mm. जी वो थर्ड आई है ऐसे के नहीं सब कुछ मिल रहा है इजी मिल रहा है थर्ड आई इजी नहीं मिलता कुंडल में इजी, इजी जागृति नहीं होती कोई भी नहीं कर सकते हैं। और ध्यान का बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ता है मतलब मैं पैसे देकर नहीं करवा सकती मैंने बहुत देखा है मैडम लोग कहते हैं हजार रुपए दो पांच हजार में ये जागरण हो जाएगा बड़े एडवर्टिजमेंट होते हैं पागल बना रहे मतलब मेरे पैसे का यूज नहीं है कुछ सिर्फ ध्यान का ही अभ्यास ध्यान अभ्यास एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली किसी का आशीर्वाद देने से किसी का थर्ड आई टच करने से कुछ नहीं मिलता अगर ऐसा मिला तो हो हो गया। हो गया सब। हाँ। सब करवा हैं। <laughs> नहीं है आशीर्वाद लेना या देना देने ही वाले को भी शक्ति होना चाहिए और लेने का बने लेने वालों को भी डिजर्व होना चाहिए जो बोलते हैं ना उसका जो इच्छा है वो इच्छा वो सेल्फिश है या यूनिवर्सल है अगर ये इच्छा सेल्फिश है तो हाँ वो कौन आशीर्वाद देगा क्या काम करेगा अगर दिए तो भी तो मतलब पैसे को तो साइड में रख देना मतलब पैसे कोई काम नहीं करता पैसे किस वास्ते घर बनाने के लिए हाँ, फ्रिज खरीदने के लिए कार खरीदने के लिए इस वास्ते यूज होता है हाँ अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर्स को या थर्ड आई को एस्ट्रल ट्रैवल को ये सब करने में मदद बिल्कुल नहीं मिलेगा कोई भी किसी को मदद नहीं कर सकता है तो जैसे आपने ये तो बता दिया अब बहुत से होते हैं ना कि बताते हैं कि महावतार बाबा जी आ गए या मैंने इनको बुला लिया किसी कुबेर जी को बुला लिया बहुत सारे मास्टर्स हैं ऊपर तो और बेकार बैठे हैं उनको भी नहीं बुला सकते हम अरे बेकार बैठे मुझे <laughs> क्या पता मैडम मैंने बुलाया नहीं कभी मैंने सुना है सिर्फ <laughs> उनको हियर प्लेन्स में और भी वर्क्स होते हैं आप यूनिवर्स के लिए क्या का, काम कर रहे बोलो आप कर रहे हैं क्या फिर मैम जैसे अभी इन्होंने बोला इतने सारे बाबा हो गए हैं कि लोगों को डर बैठ गया कि इनके इनके साथ ऐसा हुआ था इनके साथ ऐसा हुआ था इन्होंने हमें पैसे लेके ठग लिया तो बहुत सारे पेरेंट्स डरने लगे हैं तो अपने बच्चों को वो जाने नहीं देना चाहते उस राह पर कि उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है वो डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं आता तो उसको कैसे डील करा जाए अगर सही बाबा है तो पैसे की मांग नहीं करता स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर सेल कुछ भी बिकता नहीं उधर स्पिरिचुअलिटी को हम बेच नहीं सकते हैं। वो पाना पाना चाह पाने का काम है खुद प्रैक्टिस करने का है और जो बाबा आप बोल रहे हैं जो बाबा पैसे लेके एक सब करते हैं आई एक्टिवेट करते हैं कुंडलनी एक्टिवेट करते हैं ये सब बोले तो वो सब झूठ है सब झूठ है मैम तो जैसे आपके लाइफ में आपके दो डॉटर्स हैं वो कुछ चाहती थी और आप उनके लिए कुछ चाहते थे तो डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसमें कैसे डील करें बिकॉज पेरेंट्स अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं बच्चे अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं बट दोनों का चॉइस और दोनों का पाथ अलग है तो वो कैसे करें मेरे बच्चे ना सच में आई एम ब्लेस्ड विद माई चिल्ड्रन दे नेवर वेंट अगेंस्ट मी मेरे से कभी भी ना करके नहीं बोले एंड एंड मैं भी उनको ना नहीं बोली वो जो भी चाहते हैं छोटी बेटी है मेरे पास पैसे नहीं है हम तो हम, दो, हम लोग ऐसे ही मैं बोल रही हूँ हांगकांग चले गए तो उसको कुछ चीज पसंद आया फ्रॉक पसंद आया छोटी थी तो चो, इतनी छोटी थी वो फिफ्थ क्लास कुछ है फिफ्थ और फोर्थ गए तो वो ऐसा छू के देख रही थी मैं बोली चाहिए क्या नो मम्मी बिकॉज शी नो आई डोंट हैव मनी इतनी छोटी बच्ची इतनी समझदार होती तो बड़े होने के बाद क्या होते हैं भरोसा होना चाहिए बच्चों पर माँ को वो भरोसा जीतना पड़ेगा बच्चों को दोनों तरफ है है ना अगर भरोसा जीते तो हम खुला छोड़ देंगे आ, अच्छा आ, जो मर्जी वो करते हैं वो किसके साथ शादी करते हैं करना चाहते हैं हम Let them do, because they 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 know what 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 want and and have, what is good and bad. Mam, हम बहुत जगह dekhte हैं कि spirituality के ना levels होते हैं आप फर्स्ट लेवल क्रॉस करें तो second जैसे हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा फिर आपका कोर्स क्या है भाई कोई कोर्स नहीं है सिर्फ ध्यान करो ऐसे ध्यान करो और ये कोर्स complete है पहले दिन का भी यही दस साल बाद का भी आपका यही करना है आपको पर ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे कोर्स होते हैं फिर एडवांस कोर्स होगा और एडवांस होगा ऊपर वाले लेवल का होगा कई लेवल्स बताते हैं तो क्या ये लेवल्स असल में होते हैं होते हैं मतलब आप हम खुद जानते हैं हाँ? हमारा लेवल क्या क्या है हम खुद पहचानना है नहीं मैं कोर्स कर रहा मैंने एक महीने मैं कुछ नहीं होता ये अकेडेमिक स्टडीज नहीं है ये स्पिरिचुअलिटी है इसमें कोर्सेस नहीं होते हैं खाली ध्यान करो बस उतना ही मैं बोल सकती हूँ इसमें कोर्सेस नहीं होते कुछ नहीं चलता है क्लासेस नहीं होते हैं समझाते हैं गुरु समझाता है खाली गुरु समझाता है अपने अंदर का हार्ट को देखना है अपने अंदर वो ठीक है गलत है दो ही होते हैं, बीच की रास्ता नहीं होता है जैसा मैडम आपने कहा कि आ, पहले आपको ध्यान में इंटरेस्ट नहीं था सर ध्यान में आए तो आपको लगता था छोड़कर चले ना जाएं परिवार को फिर बाद में आप ध्यान में कैसे आ गई <laughs> मैं ध्यान में ऐसे आई मेरे भाई की वजह से आई hmm? मेरा भाई डेड दे अगेंस्ट था ध्यान का हाँ मेरे सा मेरे पास हम जीजा जी है तो उनके साथ आता था क्योंकि सिगरेट पीते हैं बियर पीते हैं तो इस वजह से आता रहता था आप सब सीक्रेट्स बता रहे हो हाँ ओपन टॉक है <laughs> <laughs> तो उन, उसके वास्ते आता था तो इन्होंने ध्यान सिखाया उनको ध्यान सिखाने से उनका फ्रेंड है वो फ्रेंड बदल गया वो कुछ निर्वाण बोल के एक प्रेस रखना चाहते थे तो वो छोड़ के मैंने कुछ प्रेस नहीं रखने का मैं ध्यान करूंगा बोल के वो फ्रेंड बोल दिया हाथ दिया तो हमारे भाई क्या किया वो जॉब छोड़ दिया अब बच्चा है उनके उनका भी सेम हमारे छोटी बेटी का एज का है तो डर गया आके मेरे हसबेंड को इतना गालियां दिया ऑफिस जाके तुम क्यों सिखाया मेरे फ्रेंड को वो अभी काम नहीं कर रहा है मेरा क्या होता ये क्या होता वो क्या होता ओके okay. ये सब सुन लिया हंस लिया उनको बेच दिया बच्चा बच्चा समझ के तो बाद में नेक्स्ट डे इमीडिएटली उनका फ्रेंड भी साथ आया साथ आया तो ये भी आया अभी ध्यान में बैठा यू डोंट बिलीव थर्टी डेज में वो सब कुछ देखने लगा सब कुछ देखने लगा आजकल भी कुछ कुछ लोग नहीं देख पा रहे तब उनको हाँ ये ओ, हो गया हाँ इसमें कुछ है तो मैं वो मेरे को चिढ़ाता था, था तुम घर में पकाने के लिए काम करते हो अगर ऊपर गए तो मैं तुमको पहचानते नहीं बहन बोल के कुछ दाना नहीं देता मैं आशीर्वाद नहीं देता तुमको बेचानता भी नहीं उधर तो ऐसा चिड़ाता था अरे ये मेरे को चिड़ा रहा है मैं कुछ बनूंगी और ये आके मुझे क्वेश्चन पूछे तो अगर एक क्वेश्चन पूछे बोल के मतलब इतना मुझे बनना है मुझे योग्य बनना है कुछ करना है तो मैं ध्यान में तब आई पर जैसे बच्चे भी छोटे थे आज जिससे भी बात करो बोलता है मेरे बच्चे छोटे हैं घर का काम है सास ससुर है मुझे टाइम नहीं मिलता तो आपने जब संकल्प लिया मुझे योगी बनना है तो आपने वो उस जिम्मेदारियों को निभाते समय कैसे निकाला समय क्यों नहीं निकलता अगर ठाल लिए तो कुछ बनने का तो सुबह से लेके शाम तक वो स्कूल में जाते हैं वो क्या करते हैं घर में बैठ के जक मारते हैं बाजू घर में जाके गप्पे मारते हैं टाइम नहीं मिलता है ना टाइम है सबके पास सब झूठ बोलते हैं टाइम नहीं है आजकल कमाने में लगे हैं लोग इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा है रात को क्या करते हैं कम्बल कर सो जाते हैं जरा उठ के तो ध्यान करो रात का टाइम पूरा हमारा है कोई फोन नहीं करता कोई नॉक नहीं करता दरवाजा फिर वो टाइम पूरा हमारा है ना मैं ऐसा यूज किया बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं बैठती थी वो आने से पहले मैं उठती थी जो उनका है वो सब करती थी खाने के खाने के बाद वो जब सो जाते हैं मैं ध्यान करने बैठती थी जब आपने पहली बार मेडिटेशन किया तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था मेडिटेशन का फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं ऐसी कल्चर में पैदा हुई कि मेरा एक गुरु मतलब हमारा कल्ट का गुरु होते हैं राघवेंद्र स्वामी तो मैं कभी भी उनका पूजा ही किया बिफोर मेडिटेशन uh, तो मैं समझी हाँ ध्यान ध्यान में सबको सब सबको देख सकते हैं तो मैं भी राघवेंद्र स्वामी को देखूंगी ऐसा करके आशा करके मैंने बैठ 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 गई तो मेरे को राघमेश स्वामी नहीं देखा जीसस क्राइस्ट दिखा, दिखा उधर इतना लंबा, इतना बिग फिगर तो हंस हंस हंसते हुए मेरे को दर्शन दिए तो मैंने पूछा मैं आई वॉज शॉक मैंने सोचा ही नहीं जीसस क्राइस्ट के बारे में दूर दूर तक ये नहीं तो उन्होंने बोले कि या आया है केम टू टीच यू हाउ टू हील पीपल देन आई सेड इमिडियटली आई सेट ओके हाँ अच्छा मुझे सिखाऊ तो फर्स्ट यू हैव टू नो हाउ टू ट्रांसफर यूर एनर्जीज टू द अदर पर्सन दूसरों को एनर्जीज कैसे ट्रांसफ़र करना आप जानना चाह जानो और वो भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अनकंडीशनली अगर ऐसा करे तो अगर वो लोग वो रिसीव करे तो एंड वो पहले ही एक प्रश्न पूछे उन्होंने हाँ मैं सिखाता हूं उनका जो कर्म है वो है होता है ना आप ले सकते हैं क्या मैं हाँ मैं लूंगी बिकॉज फर्स्ट टाइम नो वी डोंट नो एनी मैं, मैं, मैं लूंगी ऐसे ही ट्रांसफर करके पूरा मेरे को आना शुरू कर दिया जो भी प्रॉब्लम उनको है हैथ इन सेकेंड मेरे ऊपर आ जाता था मैं छोटी बेटी थी मम्मी ऐसा मत करो छोटी थी वो ऐसा मत करो कभी कभी उसको टिफिन देने के लिए भी मैं उठ नहीं पा रही थी डॉक्टर के पास गए तो होम्योपैथी डॉक्टर था हमारे पहचान के इनके फ्रेंड है तो ये स्पिरिचुअल है मैडम ये दवाओं से नहीं होता यू हैव टू इट डॉक्टर ने बोला डॉक्टर ने बोला तो आपको पत्री सर नहीं रोकते थे हीलिंग के लिए। बाद में रोके बाद में बाद में बहुत दो साल ऐसा चला फिर बाद में रोके ऐसा मत करो यू आर नॉट गोइंग टू डू देयर होमवर्क शुरू में नहीं समझाया आपको नहीं बिकॉज hmm. हाँ हैं, आजादी देते हैं हम खुद समझना चाहिए जितना आजादी हम लेने का है वो नहीं मालूम था नया नया जोश था hmm. तो बाद में उन्हें बोले कि डू देयर होमवर्क, उसको कैसा? खुद को करना? सीखाओ। ऐसा भी, आ, में देखते हैं ठीक नहीं था वो बॉडी वेकेट करके चला गया पर्सन या अभी उससे बोलचाल कई सालों से बंद हो गया हमारा तो ध्यान में बैठ के फॉरगिवनेस कर लो उससे माफी क्षमा मांग लो तो वो कर्मा कट कर जाएगा तो आप इसके बारे में क्या क्लैरिटी देंगे हमें कुछ कर्मा नहीं पड़ता मैं एक ही बात बोलती हूँ एनी बड़ी कैन फॉर गिव एनी बड़ी कैन फॉर गिव पास्ट है पास्ट को कैसे बदलेंगे फ्यूचर को बदलना चाहिए बैठ करमा मत करो पास को नहीं बदल सकते मैडम ता, वो टाइम को वापस नहीं ला सकते मैडम फॉरगिवनेस की तो बहुत क्लासेस और ये सब कुछ चलता होता है जो मेरा विजडम है मैं शेयर कर रही हूँ अच्छा मैडम एक बात बताओ आपने आप भी ध्यान में आ गए पत्री सर ध्यान प्रचार कर रहे हैं लोग घर में आ रहे हैं और साथ ही साथ सेवा भी अपने जो भी आते हैं पत्री सर का ये प्रिंसिपल है कि खिला के ही भेजना है है ना वो भी आप कर रहे हैं फिर अचानक पत्री सर ने सोसाइटी फॉर्म कर ली पिरामिड बना लिया तब आपको कैसा लगा कि इतना इसका विस्तार हो रहा है तो क्या तब आप कंफर्टेबल थे क्योंकि तब मैं ध्यान में आ गई तब आप ध्यान में आ चुके थे 85 में मैं ध्यान में आ गई 90 में वो पिरामिड बना 91 में सोसाइटी बना तो आपने सपोर्ट करना शुरू कर दिया 100% मतलब ध्यान में आने के बाद हम लोग ईज में आ जाते हैं ईज में आ जाते हैं और उस टाइम पे अगेंस्ट जाना मालूम नहीं है अच्छा जैसे पिरामिड बन रहा था तो कुछ ऐसा भी आ, हुआ चमत्कार हुआ जैसे लोग कहते हैं कुछ आ, उस समय पिरामिड बन रहा था सर जगह-जगह जा रहे थे प्रचार कर रहे थे लोगों को जोड़ रहे थे तो क्या पिरामिड के बनने में कुछ ऐसा आपको याद आता है जो एक बहुत ही विशेष तरह की घटना घटी हो बहुत घटे बहुत पिरामिड बनना शुरू हुआ फिर बाद में क्रिस्टल लगाते हैं ना उस उस टाइम पे तो एक ही क्रिस्टल लगता था अभी तो किलो 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 लगा <laughs> हाँ हाँ उस टाइम पे तो हमने एक ही आव, क्रिस्टल लगाया वो भी बहुत पुराना था ये शिवलिंग का रू, आ, रूप में था तो क्रिस्टल दिए मैं हमको देने के बाद वो क्रिस्टल वो शाम में उधर लगाना है सबको मिला मिल तो, के तो दोपहर में आके क्रिस्टल कहाँ बोल के पत्र जी मुझे पूछे भाई घर भर ढूँढा आपको कोई क्रिस्टल नहीं मिला मैं डर गई इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए वो क्रिस्टल को आ, घर में तो एक क्रिस्टल नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या करना है मैं ऐसी पिरामिड में चली गई सब लोग थे सब लोग पिरामिड पर बैठ के ध्यान कर रहे हैं भाई कुछ नहीं बोली क्रिस्टल घूम गया बोल के नहीं बोली मैं <laughs> तो आ, सर को पता है आ, तो ध्यान किया तो मैं जब आंखें खोली मेरे दो कदम या तीन कदम आगे वो क्रिस्टल रखा है मिला। घर में घूम गया पिरमिड में मिला तो वो लेके ये घटना घटी चमत्कार चमत्कार और एक बार मेरे को बिच्छू काटा तो सर को बोली बिच्छू काटा मेरे को बहुत पेन हो रहा इधर तक वो विष फैल गया तो मैंने बोले तो जाके ध्यान करो मेरे को पेन हो रहा जल रहा है ध्यान करो बोलते नहीं क्या करूं जाके वैसे ध्यान ध्यान किया तो तीन घंटे नहीं बहुत बहुत ज्यादा घंटे करे रात को बैठी मैं सुबह उठी थी सुबह से पहले तीन बजे में बजने से बजने के टाइम पर वो जो पेन होता है ना इधर इधर तक आना चाहिए इधर रुक गया लेकिन इधर तक जल रहा था मतलब ऊपर नहीं आया ये पिरामिड में हुआ जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था उसी को थोड़ा इलांगेट करते हुए आ, क्या ये सही है कि यूथ सोसाइटी से या फिर अपने पेरेंट्स के साथ रिवोल्ट करे नो वाई पेरेंट्स यू नो अनकंडीशनली लव करते हैं बच्चों को कंडीशंस नहीं रखते हैं अब अच्छे रास्ते पे चले तो और हैप्पी होते हैं अगर बुरे रास्ते में चले तो थोड़ा बोलते हैं ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा करो ऐसा सिखाने की तरीके है रिवोल्ट करने की क्या जरूरत है अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मेडिटेशन करने से मना कर दिया शुड आई नॉट रिवोल्ट कोई मेडिटेशन करने से नहीं रोकता पहली पे बात यह है आजकल आजकल मैं बोल रही हूँ अगर रिवोल्ट करना ही है अगर तुमको इतना ही ध्यान पे इंटरेस्ट है तो रात का टाइम पे करो या व्हेन योर पेरेंट्स आर अवे फ्रॉम यू स्लीप के टाइम पे ध्यान करो मतलब रिवोल्ट मत करो या, मत करो उनके सामने उसका आ, सर नीचा नहीं करना अगर आप अच्छा काम करना चाहते तो अभी तुम एग्जाम्पल एक्जाम, बोले के ध्यान का एग्जाम्पल लिया तो मैं ये आंसर दे रही हूँ अगर तुम कुछ और का बोले तो मैं कुछ और देती हूँ तो जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट वो कुछ और करना चाहते हैं बट पेरेंट्स पेरेंट्सSatisfied नहीं है बिकॉज़ उनको लगता है कि एक स्टेबल जॉब होना चाहिए बट बच्चे को करने का मन ही नहीं है वो चीज एजुकेशन जरूरी है जॉब करो या ना करो जो मर्जी है वही आपके पैशन की उस तरफ जाओ आजकल पेरेंट्स सब समझते हैं इतना सकती नहीं करते हैं आई थिंक सो आपने मैडम सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए साथ ही साथ एक अद्भुत काम और किया कि ध्यान प्रचार भी किया गांव गांव गए पति सर के साथ भी गए अकेले भी गए और अपने साथ और लेडीज को साथ लेकर गए उन्हें भी सिखाया कैसे ध्यान प्रचार करना है अब जैसे पिरामिड सोसाइटी एक वर्ल्ड वाइड सोसाइटी बन गई है तो आप बताइए वो एक्सपीरियंस अपना बताइए कि किस तरह से स्त्रियां ध्यान प्रचार में उतर सकती हैं मेरा ये एक्सपीरियंस है ध्यान प्रचार करना जरूरी है लेकिन घर के कामों को करने के बाद घर का ड्यूटीज करने के बाद हस्बैंड को सास ससुर को बच्चों को सबको छोड़ के लेडीज बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है वो कौन सा भी युग हो वो अच्छे ही काम कर रहे हैं 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 लेकिन ये सब करके अच्छे काम कर कर सकते ध्यान कर सकते ध्यान प्रचार ऐसा नहीं है कि हम घंटों घंटों ध्यान में बैठे हैं या हम सारा दिन ध्यान प्रचार में लगे हैं तो घर का हमें कोई चिंता नहीं है वैसा नहीं करना है सब बिल्कुल नहीं करना है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा तो लाइफ का पैशन है मेरा तो पर्पज है जेंट्स भी मेल भी जो मेंबर हैं तो मैं अच्छी भली जॉब छोड़ के मुझे ध्यान प्रचार में कूद जाना है ध्यान प्रचार में खुद जा सकते हैं लेकिन उसका जो लिमिट क्या है अगर वो यूनिवर्सल के लिए इतना स्टैंड ले सकते हैं तो करो आज करे कल नहीं करे आज ध्यान करे कल से कल सिखाए करो सब कुछ करो लेकिन उसको उसका क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन होना चाहिए वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं क्या करना चाहिए तो उन्हें भी जैसे एक स्त्री को अपनी घर की जिम्मेदारियों को निभा के तो क्या उनके उनका अपने घर के प्रति कर्तव्य नहीं है कि वो भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद वो चीज करें ये पत्री सर से पूछिए <laughs> <laughs> वो तो एक यूनिक एग्जाम्पल है ना वही मैं बोल रही हूँ या मैं, मैं, वही बोल रही हूँ अगर इतना यूनिकनेस उनमें है तो सब कुछ छोड़ सकते हैं नाउ वी गॉट द आंसर और बहुत सारे लेडीज को ये समस्या आती है कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं ध्यान भी कर रही हैं ध्यान प्रचार में जाना चाहती हैं लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। जैसे अगर हम बात करें शाकाहार की तो पहला ही स्टेप है शाकाहार का उन्होंने छोड़ दिया लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या उन्हें वो अपना जो ध्यान का एनर्जी है वो इस संकल्प में डालना चाहिए कि मेरा परिवार या बस अपना ध्यान करते रहे और आगे बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है नहीं कर रही है तो क्या करे घर में बैठेगी नहीं बैठेगी भाग जाएगी बाहर इसीलिए मैं यही बोलती हूँ उस सबको अगर अच्छा काम करे तो लेडीज को सपोर्ट करो अगर बुरे कामों से खींचना है तो अच्छे कामों में लगाओ लगाने से सब औरत अच्छे काम कर सकते हैं उसमें स्टेमिना इतना है स्ट्रेंथ इतना है सब कुछ कर सकते हैं आजकल लेडीज सो मच अह ज़ील दे हाउ जैसे एक स्त्री के साथ बहुत सारी और चीजें साइकिल जुड़े हुए हैं उसको पीरियड्स uh, का है और बच्चे होते हैं बहुत सारे शरीर में भी बदलाव आते हैं तो क्या उस समय वो ध्यान कर सकती है डेफिनेटली 100% लेकिन हमारे समाज में तो ऐसे नियम बना दिए कि रसोई घर में नहीं जाना है किसी चीज को छूना नहीं अच्छा है, है अच्छा तो गया अच्छा है ना रसोई तो घर में, में कर दिया। नहीं करना है काम नहीं करना है एक रूम में बैठ के ध्यान करो लेकिन वो समझ जब आप बता रहे हो तो सबको समझ आएगी नहीं तो अपने आप को अछूत समझ के डिग्रेड कर नहीं अछूत नहीं वो वो टाइम वो अच्छे वो अच्छे काम के लिए है वो पीरियड है ना वेरी वेरी एक्सपेंसिव पीरियड ऑफ ए वुमेन हाईली एनर्जेटिक पीरियड यूटिलाइज करो यूज करो टाइम को ताकि अरे पीरियड्स क्यों आए ये सब क्यों है मेल को नहीं है मैं हमको इतना झेलना पड़ता है पेट में दर्द होता है ये सब करते हैं बोलते हैं उसको इतना गंदा तरीके से सोचो मत एक्सेप्ट इट्स अ नेचर एक्सेप्ट एंड मेडिटेट एट दैट मोमेंट और भी ध्यान करो एक घंटा करे तो सौ घंटा करो अभी आपने बीच में एक बार बोला कि उस समय आपको डर भी लगता था है ना तो आप सभी के अंदर वो डर का भाव होता है कैसे जैसे जैसे आपने कहा कि पत्री सर छोड़ के ना चले जाए या ऐसे तरह तरह के डर हर एक के अंदर होते हैं डर होते हैं उतना आत्मविश्वास भी नहीं होता है तो वो डर से एक स्त्री कैसे बाहर आए पति से डर बच्चों से डर पहले माँ बाप से डरते रहो फिर पत, घर पति के घर गए पति से डरते रहो बच्चे बड़े हो गए बच्चों से डरते रहो तो उसको अपनी प्राथमिकता कैसे निर्धारित करनी खुद है? खुद बाहर आना चाहिए किसी कोई और हेल्प नहीं करते वो खुद को बाहर आना चाहिए और डर से नोबडी कैन हेल्प देम नोबडी हेल्प मी तो ये ध्यान ज्यादा करने से हेल्प मिलेगी या कोई नहीं, और तरीका है आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कॉन्फिडेंस आना चाहिए हाँ, जो हम करते हैं अच्छा करते हैं बोल के कॉन्फिडेंस आना चाहिए तो मतलब इसमें ध्यान मुझको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस देने आ, में कोर्स हेल्प करेगा अगर लिए तो अच्छा मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आ, उस confidence आ, को कि आ, में confidence आ, आ रहा है मैं कुछ भी कर, कर सकती डरने की कोई ज़रूरत नहीं आप मैडम इतना सब कुछ करते हुए अभी आपका परिवार इतना बड़ा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड परिवार हो गया सबसे मिलते हैं सबके साथ रहते हैं क्या अभी भी आप बुक्स पढ़ते हैं डेफिनेटली डेफिनेटली पढ़ते हो क्या इंपॉर्टेंस है बहुत स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है कितना जानते हैं एक एक एक-एक बुक में अपना पूरा जिंदगी निचोड़ के वो लिखते हैं ऑथर तो उसका एसेंस है वो वो पढ़े तो हम जानते हैं ना ये क्या है ये क्यों है कैसे है क्या नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या प्रैक्टिस करना है क्या नहीं करना है ये सब जानते हैं अभी तो एकडमिक एकर्ण, स्टडीज होते हैं स्कूल कॉलेज जा रहे हैं बच्चे पढ़ने से वो वो एग्जाम लिखने के लिए प, आ, होता है इसमें नहीं हमारा खुद का एग्जाम है ये हम पास होना है सबकी लाइफ का स्टोरी सुन के हमारा लाइफ बेटर कर सकते हैं और कुछ जान सकते हैं विजडम है विजडम है वो सबका विजडम है वो जैसे पत्री जी कहते हैं सज्जन सांगत्य भी करना चाहिए हम आपके साथ बहुत बार जब उठते बैठे हम देखते हैं कि जो भी नियम आता है ध्यानी मास्टर आप उनके बहुत ही ध्यान से एक्सपीरियंस सुनते हैं जबकि आप हजारों लाखों सुन चुके हैं फिर भी आप बहुत ध्यान से उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं तो कई बार जब कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है ग्रुप में तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हो रहे होते वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा मैं बोल रही हूँ जिसको कुछ नहीं हो रहा उसको सब कुछ फाली पहले हो गया होगा जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है ना वो अभी शुरू किया ध्यान को समझे हम उल्टा समझते हैं जिसको हो रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ गया है जिसको नहीं हो रहे हैं उसको तो कुछ कमी है बिल्कुल नहीं दे आर फार है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है दे आर फार एब यू जिसको एक्सपीरियंस है वो दे चॉकलेट्स ध्यान में बिठाने के लिए चॉकलेट देते हैं ऊपर वाले मास्टर्स लो ये एक्सपीरियंस लो और बैठो एक घंटा और बैठो कल एक बैठेंगे फिर हाँ कुछ और मिलेगा वो लोगों के भी कुछ थोड़े दिन के बाद स्टॉप हो तो जाएगा पूरा जैसे कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष बाहर आया हम ध्यान करते हैं तो आ, सिर घूमता है दर्द होते हैं बहुत सारा डिसकम्फर्ट होता है बॉडी में तो उससे लोग घबरा जाते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान के अनुभव के बारे में बताएं ताकि लोगों को ये स्पष्टता मिले कि अगर कुछ हो रहा है तो ध्यान को छोड़ना नहीं है कोर्स ध्यान को छोड़ना नहीं तो थोड़ा सा आप अनुभवों पर अनुभव मतलब देखो डिस्कम्फर्ट तो होता ही है अगर आप ध्यान करो या ना करो डिस्कम्फर्ट तो हो रहा ही है तो ध्यान हाँ डिस्कम्फर्ट तो है अब ध्यान करे तो वो बेर करने की शक्ति मिलेगी एटलीस्ट कुछ नहीं तो फिर बाद में वो चले जाएगा परमानेंटली ऐसे के नहीं डॉक्टर के पास जाके एक गोली खाए उसको आ, सप्रेस करे फिर नेक्स्ट डे अगेन वो पेन आए ऐसा नहीं ध्यान इन्हें हमेशा के लिए निकाल देते कितने कितने लोगों को क्यूर हो रहा आजकल आजकल एनर्जी इतना हाई है, है हर जगह हर जगह ध्यान के ध्यान का वर्ड हमारे बचपन में कभी नहीं सुना मंत्रों में सुना बस वो ध्यान क्या है क्या होता है पता ही नहीं लेकिन आजकल हर बच्चा जानता है ध्यान क्या है छोटे से शहर से आंध्र के पूरे स्टेट में फिर साउथ इंडिया में पूरे इंडिया में और फिर ग्लोबली तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमको कैसे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए आपके क्या टेकअवेज है इस पूरे थर्टी फोर्टी ईयर्स की जर्नी के क्या टेक अवे है उसका विजडम टेक अवे यू टेक द विजडम ऑफ ऑल द मास्टर्स राइट मास्टर्स देन लर्न हाउ टू गो बियॉन्ड दैट एंड एंड नए नए चीज़ों को आविष्कार करो जैसे कि आजकल डिजिटल मीडिया है तो हर एक चीज इम्पॉर्टेंट है कैमरा इंपॉर्टेंट है कैमरा मैन इम्पॉर्टेंट है एडिटिंग इंपॉर्टेंट है सब कुछ इंपॉर्टेंट है लाइट्स इंपॉर्टेंट है सो so, वो ये सब की जानकारी होना चाहिए ना सब ये सब लेना चाहिए अभी अभी ये टाइम है नए आइडियाज को एक्सेप्ट हाँ एक्सेप्ट करो नया नयापन को एक्सेप्ट करो पहले ना पहले जमाने में नयापन को एक्सेप्ट नहीं करते थे डरते थे वो लोग आजकल ऐसा नहीं दे आर वेरी एडवेंचरस पीपल children are very adventurous and parents have to know that इसीलिए जाना, जाना अगर करना है तो करो अगर धक्का मारा है तो फिर गिर जाएगा फिर अब आपस आएगा फिर लर्न करेगा उठना बैठना हाँ वो खुद लर्न करना है किसी को भी खुद लर्न करना है कोई किसी को सिखा था नहीं अच्छा अच्छा क्या है बुरा क्या है बता सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको कैसे ना कैसे ये यूनिवर्स एक्सेप्ट करवा देगा डेफिनेटली डेफिनेटली यूनिवर्स इज वेरी ग्रेट यूनिवर्स इज वेरी काइंड वेरी कंपैशनेट सो यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ every children every kid when they are doing good to for universe और मैडम जब ध्यान के बाद पत्री जी ने पिरामिड के साथ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और फिर धीरे धीरे पिरामिड और ध्यान दोनों को जोड़ दिया क्या आपने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए पिरामिड ऊर्जा के साथ पिरामिड ऊर्जा के साथ मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने खाना बनाते वक्त आ, तेल पूरा मेरे हाथ पे आ गया पूरे फिंगर्स जल गए जल गए मतलब फूल गए तो बहुत जल रहा था आ, मैं छोड़ के आ गई फिर पत्र जी ने अभी छोटा इतना छोटा पेरामिट्स बनाना शुरू किया तो आ, मैं मैं क्या करी उसके अंदर हाथ रख के रात भर उसके अंदर ही हाथ रख के तो पिरमिड है ना उसके अंदर हाथ रखो देखेंगे क्या होता है उस टाइम फोर्स नहीं करे देखेंगे क्या होता है फॉर एन एक्सपेरिमेंट तो मैंने रखा तो थोड़े देर के बाद कुछ घंटे एक घंटा शायद होगा जलन कम हुआ लेकिन वो जो है बबल्स है वो है लेकिन जलन बिल्कुल चले गया नहीं तो पूरा हाथ इधर तक आ गया चलता हुआ जलता हुआ तेल अगर गिर जाए हाँ। कितना जलता है एक चीज और मैडम जैसे क्या करना चाहिए सब बताते एक ध्यानी को क्या करना चाहिए उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसका भोजन कैसा होना चाहिए ये सब चीजें जब हम साधना करते करते आगे बढ़ते हैं तो एक ध्यानी को साधक को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो उस अपनी स्टेट को मेंटेन कर सके पहला चीज है भोजन को केयर टेक I mean, देखना चाहिए क्या खा रहे हैं अंदर क्या जा रहे हैं और क्या बाहर आ रहा है मुँह से क्या बोल रहा है अंदर अंदर पेट में क्या लगा रहा है ये दो अगर टेक केयर किया बस और क्या चाहिए और कौन बना रहा है खाना वेजिटेरियन खाना बना रहा है या वेजिटेरियन बर्तनों में बना रहा है ये सब अगर देखे तो एक बार जी भी बोलते हैं एक बार गांधी जी ने इसमें जेल में थे ना तो तब रोज खाना खाते थे वो अच्छा संतुष्ट होता था अच्छा सोते थे नींद आ रहा था तो एक दिन उसको खाना नहीं हाजम नहीं हुआ पूरा उल्टियाँ की उल्टियाँ आ रहे हैं पता नहीं क्या क्या हुआ बोल के सब लोग गांधी जी है ना तो सब लोग आके स्वा, स्वामी जी क्या हुआ तो बोले आज खाना कौन बनाया रोज एक आदमी बनाता है कौन बना एक आदमी का नाम लिया तो वो नॉन वेजिटेरियन है उसका हाथ का खाना खाके इसको पूरा उल्टिया ही उल्टिया इसीलिए हम समझते ना किसी के घर जाके कहीं भी बाहर का खाना खा के हजम नहीं होता पेट में दर्द भी होता है इसीलिए वो थे, हमको थोड़ा दृष्टि लगाना चाहिए क्या खा रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं हर टाइम पे ए, बढ़ 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 करके बातें करना एनर्जी वेस्ट करना नहीं सेव करो एनर्जी को आपका कहने का अब जो समझ आया कि खाना सात्विक है शाकाहारी है लेकिन कौन बना रहा है वो भी इम्पोर्टेंट किन बर्तनों में बन रहा है यस yes, वो भी और किस भाव से बना रहा है या yeah? भाव भी, हाँ। भी इम्पोर्टेंट है यस yes. सब न, सब लोग है ना हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं तो सब आदमी को वाइफ का खाना क्यों पसंद है, माँ का खाना क्यों पसंद है, क्योंकि प्यार से बनाती है। हमारा हस्बैंड स्वास्थ्य रहो, हमारा बेटा स्वास्थ्य रहो, एनर्जेटिक हो, 100 साल जिए, ऐसा ऐसा दिमाग में रख के खाना बनाती है। इसीलिए उनका खाना हो हस्बैंड को हस्बैंड वाइफ का खाना पसंद होता है माँ का खाना पसंद होता है और बाहर का बाहर वाले क्यों ये सब आ, सोचते हैं उनका आ, ये है डेली रोटी है वो फर्क है ना कितना पैसा मिल रहा है क्या दाम में बेचू कितनी सस्ते आई सास्त, मीन सस्ती खाना दू मतलब उसमें सब चीजों के साथ साथ प्यार भी घुला हुआ है केयरिंग है इम्पोर्टेंट केयरिंग है।, है, है तो हाँ। उससे वो स्वादिष्ट हो जाता है Correct. और जो प्रोफेशनल बना रहा है चाहे वो हमारे घर का कुक है या हाँ। कोई भी है कोई भी तो भी। उसके मन में वो प्यार या वो भाव नहीं होगा यस भाई मेरी यार नो no? तो पत्री जी खाने में लहसुन को बिल्कुल मना करते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि लहसुन आपने डाल दिया हो खाने में या आपको पता था कि बिना लहसुन के ही कोई ऐसा वाक्य कि जहाँ सर कभी कंप्रोमाइज इस चीज पे नहीं करते नहीं करते मैं मैंने शादी होने के बाद एक नहीं मुझे नहीं पता कोई बोले ऐसा पुलाव ऐसा बनाना है तो मैंने असल रसम डाल दिए और दोनों के लिए कितना बनाना भी नहीं मालूम इतना बर्तन बना दिया <laughs> हाँ पूरा वेजिटेबल्स डाल के मैं, मैं वो बहुत खुश हो गया मैं मेरे हस्बैंड के लिए इतना अच्छा पुलाव बनाया घर में आते ही पूरा बर्तन बाहर फेंक दिया क्योंकि वो आता है स्मेल आता है वाला लसन का तो एक बार ऐसा हुआ तब से मैं बिल्कुल बंद मुझे नहीं पता लसन नहीं डालना लसन क्यों नहीं डालना वो अपना जो रजो तत्व होता है ना उसको उत्तेजित करती है इसीलिए नहीं नहीं खाते हैं। लोग नहीं खाते हैं हैं लोग मैम तो आजकल हर कोई फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहा है कि मेन और वुमेन एक ही हैं दे आर बोथ इक्वल्स तो व्हाई शुड वी सेलिब्रेट डे नो वी नीड नॉट बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे टू रेस्पेक्ट आवर सेल्फ दैट्स इट सिंस एंशंट टाइम्स वुमेन इज बीन क्रश्ड बाय मैन इतना दबा दबा देने के बाद ना आजकल वुमेन के बारे में ज़्यादा बात करना वुमेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना वुमेन के लिए कुछ करना वो डे बनाना ये सब ना ड्रामा है वो मन का कुछ लेना देना नहीं है इसमें अगर वो खुद ज्यादा करे तो वो अच्छा ही मिलेगा को। और ये सेल्फ़ वो इम्पोर्टेंस देने से आ, कोई और आके वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हैप्पी वुमेन्स डे बोले तो क्या हैप्पी वुमेन्स डे देर इज नथिंग लाइक हैप्पी वुमेन्स डे एवरी डे इज डे फॉर देम सुबह उठे तो काम करना पड़ता है रात को रात तक काम करना पड़ता है तो क्या हैप्पी वुमेन्स डे है आई डोंट बिलीव इन दिस एनी डे आई कैन से वो अपने को एंजॉय करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंस अपने आप को लेने के लिए ये सब कर रहे हैं अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं एक्चुअली वुमेन्स डे बोल के सेपरेटली करके वो, वो डिग्रेड अपने आप हम डिग्रेड कर रहे वी आर इक्वल है ना तो एक मर्द और एक, और एक औरत एक्चुअली में इक्वल है इक्वल है इक्वल है पहले के जमाने में मर्द का बाहर जाके काम करता था, था अभी औरत भी काम कर रही है लेडी भी काम कर रही है बच्चे भी काम कर रहे हैं तो क्या फर्क है सब इक्वल है सब इक्वल है मेरे ख्याल से सब इक्वल है ऐसे के नहीं वुमेन कुछ नहीं कर सकती है घर में बैठने की है, है खाना बनाने की है खाना बनाती है बच्चों को पैदा करती है बच्चों को सुलाती है स्कूल भी बेच सकती है वो खुद पढ़ती है और पढ़ाती है काम भी जाके बाहर करती है और क्या बहुत कुछ करती है वो खुद इसको दिखाने की जरूरत नहीं है औरत कभी दिखाने के लिए काम नहीं किया वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है खुद अपने अपने घर में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती है एग्जीबिशन हम इतना कर रहे हो उतना कर आजकल बहुत बोलते हैं मैं इतना करते हूं उतना करते कॉम्पिटिशन क्या कॉम्पिटिशन किससे कॉम्पिटिशन है ये सब रॉन्ग है एवरीबडी इज इक्वल दो फ्रेंड्स आपने जाना पत्री मैम से प्रियमिड स्प्रिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की माँ से अम्मा से कि दीन और दुनिया दोनों में कैसे रहना है कैसे प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं हमारी स्त्री शक्ति क्या है तो मैम आपका बहुत 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 बड़ा धन्यवाद तो कितना आपका धन्यवाद करूं हमारे को कितना सब कुछ ज्ञान विजडम जो आज मिला है जो बहुत सारे मिथ थे हमारे वो सारे आज टूट गए तो उसके, उसके लिए थैंक यू थैंक यू एवरीबडी जस्सी विभा एंड सौम्या थैंक यू थैंक यू